हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस को मिला राज्यपाल का साथ, भाजपा की लग गई लंका। हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिमला कांग्रेस ने शनिवार को राजभवन के बाहर इसी मसले को लेकर चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्कू की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने जयराम सरकार को पुलिस पेपर लीक की रिपोर्ट 90 दिन के भीतर लाने का अल्टीमेटम दिया। सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा कि यदि जल्द दोषियों को नहीं पकड़ा गया, उन्होंने कहा कि अब तक यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है या एसआईटी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के 20 दिन बीत गए, अब तक सीबीआई क्यों नहीं आई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा और इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज को कराने की मांग की थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पेपर लीक मामले में सरकार के रवैये का शुरू से ही ढुलमुल रहा है, इसीलिए कांग्रेस ने आज राजभवन के बाहर प्रदर्शन करके सरकार को चेता दिया है। शिमला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने बताया कि पेपर लीक की वजह से 2 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, इससे देश भर में हिमाचल का नाम खराब हुआ है। राज्य सरकार मामले की जांच को लेकर गंभीर नहीं है।